दोस्तों, टाइटैनिक आज तक का सबसे बड़ा जहाज था। इसके बारे में कहा जाता था कि चाहे समुद्र में कितनी भी बड़ी सुनामी या तूफान आ जाए, पर यह जहाज नहीं डूबेगा। लेकिन अपने पहले ही सफर पर टाइटैनिक डूब गया। टाइटैनिक का सफर 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ था और 14 अप्रैल 1912 को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एक बर्फ की काफी बड़ी चट्टान से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया, जिस कारण से 1500 लोगों की काफी भयानक मौत हो गई। 2 टुकड़ों में टूटने के बबाद जहाज का मलबा समुद्र के 3 किलोमीटर की गहराई में समा गया, जो आज भी समुद्र में उसी तरह से पड़ा हुआ है। दोस्तों, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर टाइटैनिक के इस मलबे को बाहर क्यों नहीं निकाला गया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टाइटैनिक के उस मलबे को 1985 में खोजा गया था। यह जहाज जहां डूबा है वहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है और इतनी गहराई में पानी का प्रेशर काफी अधिक होता है। इतनी गहराई में किसी भी इंसान का जाना और जिंदा वापस आना काफी मुश्किल है। काफी बार इसके मलबे को निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन जहाज इतना बड़ा और भारी है कि इसे 3 किलोमीटर की गहराई से जाकर निकालना लगभग नामुमकिन है।